और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज ममता बनर्जी के गढ़ में बीजेपी की एक बड़ी रैली होनी है, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हर किसी की नजर इस बड़े रोड शो पर है, अमित शाह के रोड शो पर। 7 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होना है जिसकी तैयारी कर ली गई है। कई मायनों में खास है ये रोड शो, खास तौर पर क्योंकि ये ममता बनर्जी का गढ़ है। बीजेपी ऐसे आरोप लगा रही है कि पीएम मोदी और अमित शाह के पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं, रैली का विरोध करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ना তখন সভ্যতা এটা করে না হিংসাত্মক মনন এবং হেরে যাওয়ার ভয়ে মাথায় না থাকলে কোনো মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের আচরণ করেন না। উনি জিতছেন বা মানুষ ওনার সঙ্গে আছে এই ছটা, लेकिन ये तस्वीरें जोश से लबरेज बीजेपी के कार्यकर्ता रोड शो की पूरी तैयारी कर चुके हैं। आप इसे कोलकाता में बीजेपी का शाही रोड शो भी कह सकते हैं। अहलूवालिया बाइक सेल ऑन लाइव। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कोलकाता में कुछ ही देर में शुरू होगा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का रोड शो। 7 किलोमीटर लंबा रोड शो होने वाला है ये ममता बनर्जी के गढ़ में। ये बीजेपी का रोड शो हर मायने में खास है। सो दिस इज ममता बनर्जी पॉलिटिक्स, आई वुडंट कॉल इट पॉलिटिक्स, दिस इज द फिल्थ दैट द वेनम दैट शी इज स्पूइंग एंटायरली इन बंगाल। And what they did today of removing the posters of Amit Shah ji and Honorable Prime Minister shows that they have no class whatsoever, and it is just a ploy to provoke the BJP supporters so that they get aggressive, and then she can misuse the power of the police, which we did not let happen. We are all happy to have Amit Shah here, and the rally, as you see, is euphoric and under control. Thank you. You can see Ajay Tamta's card. Bengal mein tsunami mein parivartit ho chuki hai. 42 se 42 seat Narendra Modi aur Bharatiya Janata Party ki lehar beh rahi hai. Is baar Bengal desh ki sarkar banayegi. Jo prajatantra ke khilaf hai wo kuch bhi kar le, Bengal ki janata ko salute karna padega. Is baar Bengal ki janata Narendra Modi ji ke saath hai. Baki sar shogra jo karna hai Mamta didi kar le. तो ये तस्वीरें बीजेपी का बड़ा रोड शो, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का रोड शो कोलकाता में अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। 7 किलोमीटर ये लंबा रोड शो होने वाला है ममता के गढ़ में। इस रोड शो को लेकर जबरदस्त उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। ये तस्वीरें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लगातार, बीजेपी ऐसा आरोप लगाती रही है कि टीएमसी चुनाव प्रचार में खलल डालने की कोशिश करती रही है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह, उनका जोश सातवें आसमान पर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कोलकाता में अपने रोड शो की शाही शुरुआत करते हुए। 7 किलोमीटर लंबा ये रोड शो कोलकाता के अलग अलग अहम इलाकों से गुजरता हुआ जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन्स पर। और आज के इस रोड शो से पहले बीजेपी ने आरोप लगाया कि बंगाल पुलिस और टीएमसी ने पीएम मोदी और अमित शाह के जो जगह जगह पोस्टर्स लगे थे उन्हें हटाया, रोड शो को हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन इन तमाम आरोपों के बीच ये तस्वीरें आपके सामने। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह अपने रोड शो की शुरुआत करने ही वाले हैं। इस वक्त अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं के बीच, बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच आ चुके हैं। बीजेपी के झंडों को यहां देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देख सकते हैं, और शुरुआत हो रही है बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के सबसे बड़े रोड शो की।
देखिए तस्वीरें, उत्साह से लबरेज बीजेपी कार्यकर्ता, और यहां पर फूलों की बारिश की जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रोड शो की शुरुआत कर चुके हैं। तस्वीरों में आप अमित शाह को देख सकते हैं। 7 किलोमीटर ये रोड शो चलेगा, जिसकी बस अभी शुरुआत हुई है। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने कोलकाता से। बीजेपी अध्यक्ष कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हुए, रोड शो की तैयारियां देखते हुए उसकी अब शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष का शानदार स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया। यहां रोड शो की तैयारी पूरी, रोड शो की शुरुआत अब हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में ये बीजेपी का बड़ा रोड शो कोलकाता में, और कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोड शो की तैयारियां चाक चौबंद है और अब इस रोड शो की शुरुआत हो रही है। लहर बंगाल में सुनामी में परिवर्तित हो चुकी है। 42 से 42 सीट नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की लहर बह रही है। इस बार बंगाल देश की सरकार बनाएगी। जो प्रजातंत्र के खिलाफ है वो कुछ भी कर ले, बंगाल की जनता को सैल्यूट करना पड़ेगा। इस बार बंगाल की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, बाकी सर शोगरा जो करना है ममता दीदी कर ले। बीजेपी का दावा, इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कमल खिलेगा, और अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए बीजेपी ने यहाँ अमित शाह का रोड शो किया है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अमित शाह कार्यकर्ताओं के बीच रोड शो की शुरुआत करते हुए कोलकाता में ये अमित शाह का शाही रोड शो, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता के अलग अलग अहम इलाकों से निकलता हुआ ये रोड शो 7 किलोमीटर का रास्ता तय करेगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बढ़ता दबदबा, जिसकी तस्वीरें ये आपके सामने, आपके टीवी स्क्रीन्स पर हम आपको वो रूट भी दिखा रहे हैं जिससे होता हुआ ये रोड शो जाएगा। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोड शो की शाही तैयारियां की है, और अब इसकी शुरुआत अमित शाह की उपस्थिति में। जय श्री राम के नारे यहां पर सुनाई दे रहे हैं। अमित शाह ने रोड शो की शुरुआत कर दी है, काफिला उनका आगे बढ़ गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोलकाता की। जी न्यूज की टीम लगातार कोलकाता में मौजूद है। ये सारे अपडेट्स हम आपको दिखा रहे हैं उस शाही रोड शो के, जिसे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज ममता बनर्जी के गढ़ में कर रहे हैं। अमित शाह कार्यकर्ताओं के बीच से होते हुए रोड शो की शुरुआत कर चुके हैं। आखिरी चरण के चुनाव से पहले रंगारंग कार्यक्रम भी हो रहा है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और साथ ही उत्साहित नजर आ रहे हैं अमित शाह। बीजेपी का यह दावा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा, और उसी की तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए यहां पर अमित शाह का ये शाही रोड शो। That's passed. Several of such incidents happened in the last few days with the topmost of leaders. It happened with me again day before yesterday. So this is Mamata Banerjee's politics. I wouldn't call it politics. This is the filth that the venom that she's spewing entirely in Bengal. And what they did today of removing the posters of Amit Shah ji and Honorable Prime Minister shows that they have no class whatsoever. तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं
अमित शाह की गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो चुकी है, रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी के झंडे लेकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए काफिले को, रोड शो को आगे ले जाते हुए कोलकाता की सड़कों पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता में इस वक्त चल रहे बीजेपी के शाही रोड शो की तस्वीरें, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रथ पर सवार होकर रोड शो में शिरकत कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में बीजेपी अध्यक्ष को अपने बीच देख जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। सड़कों पर भीड़ है, कार्यकर्ता भारी संख्या में यहां पर इस रोड शो में शामिल होने के लिए आए हैं। जय जय श्री राम के नारे कोलकाता की सड़कों पर सुनने को मिल रहे हैं और अमित शाह रोड शो में कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ हिलाते हुए और जोश से लबरेज इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ तो फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। पूजा, कोलकाता की सड़कों पर जय श्री राम के नारे बहुत जोर से हम सुन सकते हैं इस वक्त और बीजेपी के रोड शो की क्या भव्य तैयारियां की गई हैं वो भी तस्वीरों में नजर आ रहा है। अदिति आपको बता दें ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अभी सातवां चरण जो है वो बाकी है और कोलकाता और आसपास के जितने भी सीट है वहां पर 19 तारीख को मतदान होने हैं और उससे पहले बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है इस अमित शाह के रोड शो के द्वारा। आप देखेंगे सिर्फ अमित शाह ही नहीं, बीजेपी के जितने भी सीनियर लीडर्स है, असम के बहुत इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, उसके अलावा सुनील उधर कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय, जितने भी बड़े नेता हैं वो सारे इस रोड शो में मौजूद हैं। आप देखिए किस तरीके से रिपब्लिक डे परेड में या हम जिस तरीके से देखते हैं टैबलू बनाए जाते हैं, कुछ उसी तरीके से यहाँ पे टैबलू बनाए गए हैं जो अलग अलग राज्य की जो संस्कृति है उसको डिपिक्ट करता हो, जो नृत्य है जो स्टेट का उसे डिपिक्ट करता हो, तो पूरे रोड शो को जो है बिल्कुल कलरफुल बनाया गया है। आप देखेंगे किस तरीके से जितने बीजेपी और आरएसएस के जितने भी कार्यकर्ता है वो जय श्री राम लगाते उनके नारे लगाते हुए आप देखेंगे ये सेंट्रल कोलकाता से शुरू होना है जो रोड शो वो नॉर्थ कोलकाता की तरफ जाएगा। और आपको एक अहम बात बता दें कि यहाँ पे मैक्सिमम सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं क्योंकि इतने वीवीआईपी है और इतने हजारों लोग जो है इस रोड शो में शामिल है, लिहाजा यहाँ पे सुरक्षा इंतजाम को काफी पुख्ता किया गया है। अदिति जी, पूजा, तैयारियां जिस तरीके से की गई है साफ तौर पर ये क्लियर मैसेज देने की कोशिश कि ममता बनर्जी के गढ़ में अब बीजेपी ने सेंध लगा ली है और जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है कि यहां पर इस बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा, यही उत्साह कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। ये तस्वीरें अपने रथ में सवार बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रोड शो कर रहे हैं, लगातार अपडेट्स देने के लिए मेरी सहयोगी पूजा हमसे जुड़ी हुई है, लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने की तैयारी पूरी है बीजेपी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोलकाता की बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का मेगा रोड शो और जी मीडिया संवाददाता विक्रम दास इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, तस्वीरें देखकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के उत्साह का अंदाजा लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल, आपको दिखाऊंगा इस वक्त हम लोग लेनिन सरणी में हैं और अमित शाह उनके साथ दो बीजेपी का जो उम्मीदवार है उत्तर कोलकाता का, नॉर्थ कोलकाता का भाजपा का उम्मीदवार एक तरफ जैसे है राहुल सिन्हा, दूसरी तरफ उनके साथ साउथ कोलकाता जो उम्मीदवार है भाजपा का चंद्र बसु वो भी उनके साथ है। इस वक्त आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि भाजपा का अमित शाह वो इस वक्त रोड शो कर रहा है, पॉम्पस रोड शो चल रहा है, ग्रैंड या मेगा रोड शो चल रहा है। अब इस रोड शो में जब हम लोग जा रहे हैं अमित शाह का गाड़ी जहाँ पे इस वक्त है अवस्थान कर रहा है उससे बहुत आगे तक
कि भाजपा का जो कड़मी समर्थक है वो लोग एक कैंपस रोड शो करके जा रहा है। करीबन 5 किलोमीटर का ये रोड शो है और वहाँ पे हम लोग दिखाई पड़ रहा है कि अमित शाह और उनके साथ भाजपा का इस बार का कलकत्ते में जो उम्मीदवार है वो उनके साथ है, बीजेपी का जो राज्य सभापति है वो भी साथ है, बीजेपी का नेता मुकुल राय वो भी साथ है। हमारे साथ इस रोड शो पर लगातार हम नजर बनाए रखेंगे। कोलकाता में बीजेपी का मेगा रोड शो, तमाम अपडेट्स ब्रेक के उस पार भी, बने रहिए हमारे साथ।